हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डी टू के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो आज की भी इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रिव्यू किया था एम आई के स्मार्ट वॉच का। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक ड्रोन का, और खासकर मैंने इस ड्रोन को क्यों चुना इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। आपने बहुत सारा ड्रोन ऐसा देखा होगा कि जिसमें रिमोट कंट्रोल रहता है, जिसमें रिमोट कंट्रोल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग उसको फ्लाई करते हैं, या तो मोबाइल के थ्रू फ्लाई करते हैं एप्लीकेशन की मदद से। बट इस ड्रोन में आपको जो रिमोट है वही कुछ अलग टाइप का देखने को मिलेगी, जिस कारण मैंने इसको चुना है। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, मुझे पता है इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रोन भी मिल जाएंगे, बट ये भी एक अपने में यूनिक ड्रोन है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ड्रोन है जिसके बारे में मैं इतना तारीफ किए जा रहा हूँ। एक्चुअली अगर इस ड्रोन की बात करें तो इसका नाम है स्विफ्ट IZI नैनो ड्रोन। जी हाँ, इसका जो मॉडल है स्विफ्ट IZI। इसकी अगर प्राइस बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी प्राइस रेंज में आती है 13,990 की, इसकी प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है। इसका जैसे आप ये रिमोट देख पा रहे हैं, इसका रिमोट में कुछ अलग टाइप का इसका फंक्शन दिया हुआ है। रिमोट हर किसी का अलग होता है, बट इसका रिमोट कुछ ज़्यादा यूनिक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक रिंग पहननी पड़ती है। रिंग पहनने के बाद क्या करती है, उसको आपको रिंग से कनेक्ट करना पड़ता है रिमोट को। रिमोट में क्या होता है, आप हाथ में रिमोट को पकड़ सकते हो, लंबा टाइप का रिमोट रहती है। और क्या होती है, जैसे आप रिंग से रिमोट कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद रिंग को आप जैसे जैसे उंगली को थम यानी थम को जैसे जैसे आप ऊपर नीचे साइड लेफ्ट वाइज करोगे, उस सबसे क्या होगी, ड्रोन भी आगे पीछे लेफ्ट राइट करती रहेगी। तो ये अपने आप में यूनिक चीज़ है, जिस कारण मैंने इसको चुना था। इसकी फ्लाइट टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी फ्लाइट टाइम आपको देखने को मिल जाती है 13 मिनट का। और अगर इसका हम लोग चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में इसका ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि 1 घंटा में ये आपको ड्रोन को फुल्ली चार्ज कर देगा। और इसका अगर फिर से हम लोग फ्लाइट स्टार्ट करें तो 13 मिनट तक ये आपको फ्लाइट टाइम देगी। इसमें भी आपको कैमरा देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि ड्रोन पे कैमरा नहीं है, कैमरा है, जो कि कैमरा का 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको हर ड्रोन की तरह इमरजेंसी लैंडिंग मिल जाता है, यानी कि मान के चलिए अगर आपको अचानक से ड्रोन को उतारना हो तो इमरजेंसी लैंडिंग में भी आप उसको कर सकते हो। ड्रोन जहाँ है वहीं पर क्या होगी, इमरजेंसी लैंडिंग हो जाएगी वो। इसकी अगर वेट की भी बात करें तो वेट भी ज़्यादा नहीं है, 93 ग्राम्स की जो वेट है वो है आपकी ड्रोन की वेट। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको FHD यानी कि फुल HD रिकॉर्डिंग होती है 1080p में। 4K तक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती है, बट 1080p का रिकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दी। और ड्रोन के जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, वो भी कुछ अलग में यूनिक लगती है। बहुत सारे ड्रोन क्या होती है, ऐसे गोल टाइप के होते हैं, बट ये ड्रोन आपको एकदम लंबा देखने को मिल जा रही है। साथ ही साथ जैसा इसको ड्रोन का लंबाई है, उस हिसाब से इसके क्या है, रिमोट की भी लंबाई है। मुझे सबसे ज़्यादा खास इस ड्रोन में इसकी रिमोट लगी, जिस कारण मैंने इसको अपने लिस्ट में रखा। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे बेहतरीन ड्रोन मिल जाएगी, आप अमेज़न पर जाकर सर्च कर सकते हैं। बट अगर आपको ये लेनी है तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो और ले सकते हो। बहुत ही एक अपने आप में अमेजिंग फीचर्स है इसका। और इसके फ्लाइट डिस्टेंस की बात करें तो फ्लाइट डिस्टेंस में ये 300 मीटर तक जाती है, और अगर इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो 15 मीटर। एल्टीट्यूड यदि कितनी ऊपर तक जाएगी, 15 मीटर तक डिस्टेंस, आपके 300 मीटर का डिस्टेंस तक वो कवर कर पाएगी आपको आराम से। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ना ही कनेक्शन छूटने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले एक पीस आपको एयरक्राफ्ट और प्रोपेलर भी देखने को मिलती है, साथ ही इसमें आपको कंट्रोलर विथ रिंग यानी रिंग और कंट्रोलर देखने को मिलती है 1 पीस। बैटरी नेक्स्ट आती है, USB टाइप सी केबल नेक्स्ट आती है, क्विक मैनुअल, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। USB टाइप सी केबल यानी कि अगर आप सी केबल से ही चार्ज कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी है आपका मोबाइल में USB टाइप सी है तो उसके थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि जो केबल वहाँ से प्रोवाइडर हो उसके थ्रू कर सकते हैं। बट जैसा कि मेरा मोबाइल में टाइप सी नहीं है, टाइप बी है, तो क्या कर सकते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, USB टाइप सी जो है उसको आप कनेक्ट करके आराम से चार्ज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिमोट है उसमें क्या होती है, इसमें बैटरी इंसर्ट नहीं होती, आपको रिमोट को भी चार्ज करनी पड़ती है, आपको ड्रोन को भी चार्ज करनी पड़ती है, दोनों का आपको अलग अलग चार्ज करनी पड़ती है। दूसरे ड्रोन में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग क्या होता है, रिमोट में बैटरी इंसर्ट कर देते हैं, बस रिमोट एक्टिवेट हो जाती है, बस इसमें रिमोट को भी चार्ज करनी पड़ती है क्योंकि इसमें बैटरी इंसर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अगर आप इस ड्रोन को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलेगी ये, कुछ उसमें डिस्काउंट भी आपको शो हो जाएगी अगर मेरे लिंक के थ्रू आप लेते हो तो। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।